हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल बिजू पहाड़ी व्लॉग में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर कीजिए। तो मेरा व्लॉग कई दिनों से नहीं आया क्योंकि भाई लोगों थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी थी, मेरे पैर में भी लग रखी थी और थोड़ा कमर में पेन हो रखा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यहाँ की रोड कैसी हुई है, तो उसमें बहुत अच्छा आपका वो आया रिस्पांस। तो आज बन रही है वहाँ पे रोड, तो आज देखेंगे वहाँ पे रोड बन रही है और पूरा दिखेंगे आज आपको। तो अभी तो मैं आपकी अपने घर के पास, तो मैं अभी रोड में हूँ, तो रोड ही से व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस, तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, मतलब अभी थोड़ा ये देखिए, ये रोड तो वैसे ही, लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि नीचे वाली रोड जो टाउन एरिया में आता है ना, वो सही हो रखी है। तो अभी वहीं जाएंगे और वहां आपको दिखेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर में, तो अभी जाते हैं वहीं को। गाइस, जैसा कि मैं अपने घर में आ चुका हूँ और ये पीछे देखिए हरियाली हरियाली दिखेगी आपको हर जगह। तो अभी थोड़ा बारिश भी आ रही है, तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बारिश बंद होने के बाद चलते हैं। तब तक मैं आपको अपने जो ककड़ी का बेल है ना, वो दिखाता हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा ककड़ी लग रखी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा नारिंग का पेड़, सॉरी माल्टा का पेड़ है, हाँ ये माल्टा का। और ये यहाँ पे कद्दू लगा रखे हैं, देखें अभी पीछे जाते हैं, यहाँ नहीं हुए हैं, यहाँ लग रहे हैं अभी, देखिए अभी लग रहे हैं ककड़ियाँ, देखिए। सो गाइस, पीछे भी हल्की फुल्की हुई है, देखिए यह है हमारा खेत और यहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, देखिए। और यहाँ पे हमने मकई भी लगा रखी है और धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, देखिए चींटे पड़ रखे हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ शिमला मिर्च भी हुई है और मिर्च भी हुई है, देखिए ये देखिए छोटी हुई है ये भी, देखिए। और इसमें बैंगन लगेंगे, जो ये आप देख रहे हैं इसमें अभी बैंगन लगेंगे, देखिए। और ये है मूली, मतलब हर चीज़ लगा रखी है हमने, जैसे बाज़ार से हम नहीं लाते, ज़्यादातर हम घर में ही लगा के खुद खाते हैं। और ये देखिए ऐसी मूली रखी है, अभी तो ये खाली निकाल रखी है, देखिए
और ये पता ही होगा आपको ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा होने वाला चीज़, इसका नाम है भांग। देखिए मतलब ये लगाती भी नहीं है ना, फिर भी उग जाता है, मतलब ये नियम है, ये हमने लगा नहीं रखा था फिर भी हो गया, पता नहीं कैसे, अब इसको काटना पड़ेगा। देखिए अब हम चलते हैं रोड की तरफ। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ रोड को, लेकिन अचानक यहाँ पे देखा, देखिए मतलब कुछ करा ही नहीं है, वहाँ टाउन एरिया है करके बना रखा है, यहाँ कुछ नहीं कर रखा है। तो गाइस यहाँ का हाल तो बेहाल हो रखा है यहाँ की रोड का, जैसे कि आपने देखा। अगर आपने याली वीडियो नहीं देखी तो याली वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको पूरा अपने गांव में जितनी भी रोड है सारी दिखाई हैं, थोड़ा एक दो नहीं दिखाई हैं जो कि है ब्लॉक और पवेत वाली, तो मैंने आपको याली दिखाई। और थोड़ा यहाँ गाड़ी गाड़ी का आना जाना लगातार होते रहता है, तो यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। एक बार रोड बन जाएगी ना तो सारा बढ़िया हो जाएगा, तो सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि रोड को सुधारिए। देखिए ऐसे गड्ढे हो रखे हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो अभी हम जाएंगे शक्ति की ओर, तो यहाँ का मौसम कई तगड़ा हो रखा है, देखिए देखिए गाइस। तो अभी बढ़ रहे हैं शाम के 4, और देखिए हर जगह आपको कर दूँ, मतलब यहाँ का मतलब जो फल फूल होते हैं वो सब आपको हर किसी के घर में दिखेंगे। तो देखिए, और यहाँ पे अनार भी होते हैं। तो गाइस कमेंट करना कि जो मैं अगली वीडियो लाऊँ ना वो किस टॉपिक के ऊपर लाऊँ, मतलब कहाँ जाऊँ, तो कमेंट करना। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो अभी हमें रोड में देखिए, जैसा कि मैं अभी पैदल जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी साइकिल होती, आज मेरी साइकिल भी नहीं है। सो गाइस देखिए यहाँ पे नाली बनने लग गई, और जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाइपलाइन डाल रखी है, तो यहाँ पे अच्छी नाली बनेगी। तो देखिए ये नाली बन रही है, और ये पिछली बार ये वाला पाइप लगाया था जो कि पूरा टूट गया था, देखिए। और ये सीमेंट के वो लगा रखे हैं, देखिए। तो भाई देखिए अभी पूरा डालेंगे, यहाँ तक का टच करेंगे इस नाली को, यहाँ तक का टच करेंगे इस नाली को, तो देखिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब प्लास्टिक के जो भी पाइप हैं वो नहीं डाल रखे हैं, सीमेंट के डाल रखे हैं, देखिए ये मजबूत भी हैं, देखिए। गाइस जैसा कि देखा आपने यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब थोड़ा तो सही करा सरकार ने, मतलब ऊपर को भी बना दो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऊपर को भी होंगे, यहाँ तो वैसे सही बना रहे हैं। देखिए ऐसे बर्फ है, यहाँ पे थोड़ा नाली डाल के ऐसे काट दे देना, उसी तरीके से यहाँ से भी काट दे दे तो बढ़िया लगता। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले